डिनर विश किया और सुबह से लेकर अब तक का दिन कैसा रहा? एक दिन मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत रही। सारे दोस्तों ने, फैमिली मेम्बर्स ने, सब ने विश किया और जैसे कि मैं देख रही हूँ आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है और आप लोगों ने मतलब ये जो शाम मेरी बहुत ही खूबसूरत बना दी है एक्चुअल में। तो आप हर साल किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं अपना बर्थडे और इस साल कैसे अलग होने वाला है? एक्चुअली इस साल कुछ डिफरेंट हो रहा है। आज जैसे कि मैं बॉलीवुड में हूँ, बॉम्बे में हूँ, तो थोड़ी सी डिफरेंट वे में सेलिब्रेट कर रही हूँ। बट बाकी सारे साल मैं अपने ऑर्फनेज के बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, उनके साथ ही एंटायर डे स्पेंड करती हूँ, खाना पीना जो भी करती हूँ। बट इस साल थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, बट मैं उन सबको भी मिस कर रही हूँ। बट समथिंग न्यू लाइफ में होना चाहिए तो इसीलिए ये एक्सपीरियंस भी ले रही हूँ। ओके सपना जी, आपकी फिल्म भी आने वाली है अंतर्ध्वनि, जिसका आज जो है यहाँ पर हम लोग धमाकेदार पोस्टर देख रहे हैं। फिल्म का शूट पूरा हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए। इसी फिल्म के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि 9 times नेशनल अवार्ड विनर AK बीर के साथ काम करने को मौका मिला है। और जैसे कि सोशल्स के थ्रू से मुझे भी पता लगी है कि फिल्म सितंबर एंड तक आ जाएगी और हम लोगों ने कुछ सिलेक्टिव फेस्टिवल के लिए फिल्म को सेंड करने के लिए सोचे, नॉमिनेट किए हैं। और तो सबसे पहले आई थिंक बर्लिन फेस्टिवल में हमारी फिल्म जा रही है, बाकी उसके बाद जो भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं उसमें फिल्म जाएगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा होप लेके रखी हूँ कि फिल्म के थ्रू मुझे कुछ अवार्ड मिले और फिल्म को कुछ अवार्ड मिले, सो दैट कि मेरी कैरियर और मेरी जो सोच है बहुत आगे जा सके। ये फिल्म क्या उड़िया में है? नहीं, ये फिल्म हिंदी में ही है। ओके, और इसके अलावा अभी अंदर जाके किस तरह की पार्टी होने वाली है, क्या प्लान किया है, अगर इस बारे में कुछ बताइए, या फिर सरप्राइज रखा गया है आपको? एक्चुअली पार्टी मेरे लिए मतलब पूरी सरप्राइज जैसे ही है, मुझे कुछ भी नहीं पता। जैसे कि आप सबको पता है ये वुड लाउंज पे हो रहा है, तो आई थिंक डांस और जो भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए अंदर होगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। से जानना चाहूँगा स्वप्ना का जन्मदिन है, कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप लोग स्वप्ना के साथ, अगर थोड़ा सा बताएं और आज का दिन कैसे? सर पहली बात तो हम गेस्ट नहीं, हम होस्ट हैं, अभी मुझे बॉन्डिंग बताने की जरूरत नहीं है। हम सपना से भी पहले आ गए थे और हम गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, हम सपना को रिसीव कर रहे हैं। तो इट्स डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग डे, तो इस दिन के लिए हम लोग सब बाहर थे, वी स्पेशली फ्लू डाउन फॉर अ बर्थडे एंड आई रियली विश सपना को बहुत सारा सक्सेस एंड बहुत सारा प्यार हम सब आज फिल्म के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सेलिब्रेशन का माहौल है एंड आई होप आगे आने वाले सारे साल हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें और बहुत सारी फिल्में साथ में। मेरी तरफ से सारी शुभकामनाएं, मैं दिल्ली से आया हूं एंड हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो लाइक गॉट ऑफ सक्सेस फॉर सपना। कुछ आगे की कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे जैसे आपने कहा कि 10 साल से आप जानते हैं? बहुत सारी मेमोरीज हैं, मतलब अगर बताने लगेंगे तो पूरा दिन पूरी रात ही निकल जाएगा। कोई स्पेशल मेमोरी जो सपना के साथ आप शेयर करते? जयपुर में हम गए थे, शूट किया था वहाँ पर, तो बहुत सारी मेमोरीज हैं वहाँ। सपना जी क्या कहना चाहेंगे, जब इतने सारे गेस्ट एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी है, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप आजकल? एक्चुअली मैं मतलब बहुत ही मतलब भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ऐसे दोस्त मिले हैं। ही इज़ माई फोटोग्राफर, इसके साथ मैं 10 साल से काम कर रही हूँ एंड मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मतलब बॉम्बे में। और कल रात को भी केक काटा तो लाइक ये कभी कोई मौका नहीं छोड़ता मेरी टांग खिंचाई करने के लिए, बट इज़ द बेस्ट बर्थडे। क्या कहेंगे सर, कैसे आपने एग्जीक्यूट किया सबसे पहले तो ये बताइए। बस हम करना चाहते थे कि अंतर्ध्वनि खत्म हो रहा है, चीज एक बर्थडे था तो एक प्रोडक्शन हाउस का एक अच्छा सा चीज, इसीलिए हमने ये सब ऑर्गेनाइज किए कि थोड़ा सा हमें सबको ये मिले एक गेट टुगेदर को। जैसे मैंने सर से पूछा था कि फिल्म का शूट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, कैसी जर्नी रही और कब रिलीज? बहुत अच्छा जर्नी था, डिफिकल्ट था, फिर भी हमने उसको किया। उसका बाद अभी पोस्ट चल रहा है, पोस्ट का बाद फिर हम कैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाएंगे ये आपको फिर बताया जाएगा, फिर वो प्रॉपरली फेस्टिवल में भी जाने वाली है। हाँ, कौन से वो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बताएंगे, पोस्टर रिलीज होगा ये पार्ट। अभी तो हम इतना बता सकते हैं ये पोस्ट चल रहा है और फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, सबकी कोशिश है कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाए, एक नया कुछ इंडिया के लिए लेके आए। सपना मैम, राजेश सर यहाँ पर है, कैसा लगा आपको सरप्राइज सबसे पहले ये बताइए? नहीं, इट वॉज ए ग्रेट सरप्राइज फॉर मी, लाइक मैं बहुत ही खुश हुई हूँ। लाइक आज तक ऐसा कभी बर्थडे पार्टी मेरे लिए सरप्राइज अरेंजमेंट नहीं हुआ था और साथ ही मेरी
पहली मूवी अंतर्ध्वनि की जो मतलब कंप्लीशन हुई है और वीर सर के साथ आज मैं खड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा वीर सर के साथ काम करने का, इतने एक्सपीरियंस है, मतलब थोड़ा सा अगर उस जर्नी के बारे में बताया। देखिए एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत रही, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और जैसे कि मैं उनके बारे में इतनी सुनी हुई थी और वो इतने बार नेशनल अवार्ड ले चुके हैं कि तो, और जैसे कि एक्टिंग के मैंने कोई भी क्लासेस नहीं किए ना ही कुछ जानती हूँ, और उनके साथ काम करना और उनके जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफ़िल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बट टचवुड सर के साथ बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रही, और मुझे लगता मतलब आई होप कि मैं उनको सेटिस्फाई कर पाई हूँ एक्टिंग के द्वारा। She is very hardworking, she is very sincere and she is very mature, and the character she has played in the film, it is a double character she has played, and that's what the strength of his ability to perform will be seen when you see the film. Thank you so much.